वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे चैप्टर थर्ड का टॉपिक, जो परमाणु होते हैं उनके प्रतीकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले अगर हम बात करें कि प्रतीक क्या होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं उन तत्वों को किसी न किसी रूप में उनको लिखा जाता है प्रतीकों के रूप में। तो पहले क्या था कि जो डाल्टन थे उन्होंने क्या किया था कि जो सुझाव दिया था कि जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाइड्रोजन है उसको एक सर्कल बना के उसके बीच में डॉट जो है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कार्बन होगा वो सिंगल पूरे एक सर्कल है वो खाली है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये बीच में से क्या होगा डार्क होगा। और अगर ये सर्कल बीच में से वाइट है तो ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा, ये फॉस्फोरस है, और अगर इस सर्कल के बीच में आप प्लस बना देते हैं तो ये सल्फर का जो है प्रतीक होगा। यहाँ पे देखो इससे सर्कल के बीच में आई बना रखा है जो कि आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी के साथ है जो सर्कल के बीच में सी बनाया है ये कॉपर है, और एल लिखा हुआ है वो सीसा है, ऐसे ही एस वाला सिल्वर है, गोल्ड के बीच में डॉट डॉट करके जी बना दिया, प्लेटिना है उसमें पी लिखा हुआ है, और जो पारा है उसमें डॉट डॉट बना रखे हैं। तो ये सारे के सारे जो तत्व हैं इनके प्रतीक दिए थे डाल्टन ने। लेकिन इस तरह के अगर हम बात करें तो जितने भी तत्व हैं उन सबको इस तरह से प्रतीक के रूप में हम लिख नहीं सकते। जैसे मान लो कि हमें कोई मान लो समीकरण लिखना है, ठीक है, उसके अंदर हम जैसे मान लो कोई भी हो सकता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हम लिख रहे हैं या फिर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो वहाँ पे इतने सारे जो हैं हम इस तरह से ये प्रतीक है लिख नहीं सकते। इसी के साथ जो तत्व होते हैं वे कई तरह के बहुत सारे हैं, उनके जो अगर हम इस तरह से प्रतीक देंगे तो वो याद भी नहीं रहेंगे और बहुत सारे हो जाएंगे, और इस तरह से उनका प्रतीक देना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर डाल्टन ने क्या किया, इस तरह के प्रतीक दिए थे। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। यहाँ पर ये सारे दे रखे हैं, उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, अर्थात ये प्रतीक तत्व के एक परमाणु को शो करता है। बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों को सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रतीक लिखे जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच लिखते हैं, कार्बन को सी से लिखते हैं, अगर हम बात करें जैसे नाइट्रोजन है तो उसको एन से लिखते हैं। तो पहले जो तत्व थे इनके नामों की व्युत्पत्ति, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका प्रतीक है वो जिस स्थान पे जिस जगह पे वो मिले हैं उनके नाम पर ही हुई है। जैसे अगर अपन कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर एक जगह का नाम है और उस जगह के नाम पर ही इसका नाम कॉपर रखा। एग्जांपल अगर हम देखें, कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ, और कुछ तत्वों के नामों को उनके रंग से लिखा जाता है, जैसे कि अपन बात करते हैं गोल्ड की, जो स्वर्ण सोना जो है उसको इंग्लिश नाम गोल्ड है, और जो इंग्लिश के जो शब्द से लिया गया है गोल्ड से, जिसका अर्थ होता है पीला। तो कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका नाम जहाँ पे वो मिले हैं उस जगह के नाम से हुआ है, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका नाम रखा है उनके रंग के आधार पर। अगर हम बात करें IUPAC पद्धति, IUPAC इंटरनेशनल फुल फॉर्म ऑफ IUPAC होता है, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, ए फॉर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये क्या है, एक इंटरनेशनल जो संस्था है जो कि क्या करती है, तत्व के जो नाम होते हैं ये और इनके प्रतीकों को मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करती है, यानी फाइनल जो होगा कि इसका प्रतीक क्या होगा उसकी स्वीकृति ये देते हैं। ज़्यादातर तत्वों के प्रतीक हैं वो उन तत्वों के अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से लिखे जाते हैं। तो इस लिखने में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, और जो स्मॉल लेटर लिखा जाता है सेकेंड जो लेटर होगा वो स्मॉल होता है। एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन तो उसको कैपिटल में हमने लिख दिया एच, एच मीन्स हाइड्रोजन। हम लिखते हैं नाइट्रोजन तो वो गया एन। जैसे हमने लिखा सोडियम तो सोडियम का एन तो आएगा कैपिटल और ए होगा स्मॉल। इसको आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते, एन ए इसको ऐसे कभी नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों कैपिटल के अंदर नहीं आएंगे।
फर्स्ट जो लेटर होगा वो होगा कैपिटल, और सेकंड जो लेटर होता है वो होता है स्मॉल। एग्जांपल अपन एल्यूमिनियम का ही ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ए लिखा हमने कैपिटल और एल लिखा स्मॉल। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, दोनों ही कैपिटल में नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। ऐसे ही कई सारी जगह पे लिखा आता है, कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर है, इसके अंदर सी कैपिटल आएगा और यू आएगा स्मॉल। कोबाल्ट है सी ओ, ये कोबाल्ट हो गया, ठीक है, तो सी कैपिटल हो गया, ओ स्मॉल हो गया। अगर अपन सी भी कैपिटल लिखते हैं और ओ भी कैपिटल लिखते हैं तो ये सी फोर कार्बन ओ फोर ऑक्सीजन बन जाता है, तो ये गलत हो जाता है। तो जब भी ध्यान रखें हमेशा, अगर कोई भी अगर अपन एलिमेंट की बात करते हैं तो उसको उसके इंग्लिश वर्ड के फर्स्ट लेटर से लिखा जाता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि इनका फर्स्ट और सेकेंड लेटर जो है उससे लिखा जाता है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें, कार्बन है, कार्बन को अपन ने लिखा सी से, कोबाल्ट क्लोरीन कैल्शियम ये सारे के सारे सी से शुरू हो रहे हैं। तो अगर हम सबके लिए अगर कार्बन सी लिखते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन से एलिमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट और सेकंड लेटर इसमें लिया गया है, सी फोर कार्बन सी ओ फोर कोबाल्ट सी एल क्लोरीन सी ए कैल्शियम सी यू कॉपर। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड लेटर यहाँ पे लिखा गया है इसको क्लियर दिखाने के लिए। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनको एक ही अक्षर से लिखा जाता है, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको फर्स्ट और सेकंड लेटर से लिखा जाता है, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो जिनको उनके लैटिन लैंग्वेज के अंदर उनका जो नाम है उस नाम के फर्स्ट या फिर फर्स्ट और सेकेंड लेटर से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं सोडियम की, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो सोडियम जो है वो एस से शुरू होना चाहिए, बट जो सोडियम है उसका लैटिन लैंग्वेज में नाम होता है नेट्रियम। तो नेट्रियम नाम होने से उसका लैटिन लैंग्वेज में जो नेट्रियम नाम है उसका एन ए से स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पे जो सोडियम होगा उसका सिंबल होगा एन ए। तो जो है अगर अपन सिल्वर की बात करते हैं, अपन गोल्ड की बात करते हैं, ऑरम अर्जेंटम, अर्जेंटम होता है चांदी इसीलिए इसका जो सिंबल होता है वो ए जी होता है। ऑरम जो गोल्ड होता है उसका लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है ऑरम, ठीक है, तो इसलिए इसका जो सिंबल होगा वो ए यू होगा। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिंबल उनके इंग्लिश वर्ड के फर्स्ट लेटर से लिखा जाता है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके जो उनका जो इंग्लिश में नाम है उसके फर्स्ट और सेकंड लेटर से उसको उसका सिंबल लिखा जाता है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका जो सिंबल है वो उनके लैटिन लैंग्वेज के जो अंदर जो उनका नेम है उसके फर्स्ट या फिर फर्स्ट सेकंड लेटर से लिखा जाता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया पोटेशियम है, पोटेशियम पी से स्टार्ट होना चाहिए, बट पोटेशियम को अपन पोटेशियम का सिंबल होता है के। ऐसे ही सोडियम है वो एस से स्टार्ट होना चाहिए बट इसका सिंबल हो गया एन ए। जो गोल्ड है वो जी से स्टार्ट होना चाहिए बट इसका सिंबल ए यू है, और जो सिल्वर है उसका सिंबल है ए जी, बट जो सिल्वर है उसको एस से स्टार्ट होना चाहिए था। तो ये जो सिल्वर है, गोल्ड है, पोटेशियम सोडियम जो है ये क्या है, इनके सिंबल उनके लैटिन लैंग्वेज के नेम से लिए गए हैं उनके फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड लेटर से। तो जो सोडियम होगा उसका लैटिन लैंग्वेज में नेम है नेट्रियम, और जो पोटेशियम है उसका लैटिन लैंग्वेज में नेम है कैलियम, और अगर हम बात करें गोल्ड की तो इसका लैटिन लैंग्वेज में नेम है ऑरम, और सिल्वर का है अर्जेंटम। तो इनके जो अर्जेंटम ऑरम कैलियम और अगर हम नेट्रियम की बात करें तो इन्हीं के नाम से इनके फर्स्ट और सेकंड लेटर को इनके सिंबल के फॉर्म में लिया गया है। तो आज के लिए आपके क्वेश्चन है कोई भी चार ऐसे तत्व के नाम लिखने हैं और उनके लैटिन लैंग्वेज में उनका नाम क्या है वो लिखना है और उसका सिंबल लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, और जो क्वेश्चन सेकंड है वो है डॉल्टन ने जो कुछ तत्वों के प्रतीक दिए थे वो आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है डायग्राम 3.3, इसके अंदर जो स्क्रीन के अंदर जितने भी सिंबल हैं वो सारे के सारे टोटल 12 सिंबल हैं, तो ये सारे सिंबल आपको लिखने हैं। ये दो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।